तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि विपक्षी दलों को लोकसभा चुनाव में बराबरी का मौका मिल जाए तो बीजेपी 100 लोकसभा सीट भी नहीं जीत पाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस लोकसभा चुनाव के बाद 2/3 बहुमत से तीसरी बार सरकार बनाने के लिए अब की बार 400 पार का नारा दिया। पार्टी के सारे नेता हर रैली और सभा में दोहरा रहे हैं और लोगों से पूछ भी रहे हैं, इस बार 400 पार करोगे या नहीं। तेजस्वी यादव ने मीडिया से बातचीत का वीडियो सोमवार की सुबह पोस्ट करके सोशल मीडिया पर लिखा, भाजपा अगर इन 7 चीजों को दरकिनार करके मुद्दों पर चुनाव लड़े तो उनको 100 लोकसभा सीट भी नहीं आएगी। उन्होंने चुनौती देते हुए कहा, भाजपा इन 7 के बिना लड़ ही नहीं सकती। तेजस्वी ने इन 7 चीजों में मंदिर मस्जिद, हिंदू मुस्लिम, गोदी मीडिया, CBI, इनकम टैक्स, चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग, EVM, इलेक्टोरल बॉन्ड जैसे धनबल और छलबल का नाम लिया। उन्होंने कहा, अगर बीजेपी लेवल प्लेइंग फील्ड पर खेले तो 100 सीट भी नहीं जीत पाएगी। तेजस्वी यादव का ये बयान सुनिए। राम मंदिर, मंदिर मस्जिद, जो गोदी मीडिया और आपका ED, इनकम टैक्स, CBI, धन बल, इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड टाइप, समझ लीजिएगा लेवल प्लेइंग फील्ड हो ना, लेवल प्लेइंग फील्ड तो 100 सीट भी इनको नहीं आएगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।